श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु, श्री पद्मावती पुरी, समस्त सुंदर प्रणाम जी, सुंदर जी। कदमों सेजदा पकड़ के दो पाय हुकम करत है माशुक बीच आशिक के दिल माशुक तुम्हारी आंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलमे दृढ़ किया हजूर क्यों ना होत टुक टुक हजुरुह क्यों ना होत टुक मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम सखी रे धाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी प्रणधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ महामति के धाम दिल में बैठकर यहाँ महामत जी स्वयं अपने स्वरों में कह रही है कि हे मेरे प्राणों के आधार लाडले प्यारे सुंदर साथ जी मेरे तन से कहलाई हुई ये वाणी से तुम्हारा काम बन गया। अभी आपने जागनी का प्रकरण सुना ने, तुम्हारा काम बन गया तो आगे क्या करना, काम बन गया मतलब आगे बोला कि प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। तो हे मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ जी तुम युगल स्वरूप के धाम धनी के स्वरूप में डूब जाइए, उस मस्ती में मगन हो जाइए। आपके लिए या हम सब सुंदर साथ नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए, पहले तो ब्रह्मात्मा ही तो यह रस पीगी, पहले तो ब्रह्मात्मा ही यही रस पिएगी। तो यह संसार के लिए ये प्रेम का दरवाजा खुल गया, क्या परम धाम के प्रेम का द्वार खुल गया। जो आज तक किसी ने परम धाम की दिशा की ओर भी निर्देशन नहीं कर पाए थे, इस संसार में प्रेम क्या चीज है ये भी कोई जान नहीं पाए थे। परिक्रमा ग्रंथ में बताया प्रेम को अंग वर्णन के प्रेम नई दुनिया मीने इत लाई ब्रह्म सृष्टि, प्रेम इन्होंने जाहिर किया ना तो प्रेम दुनी में कित। क्या बताया कि इस संसार में प्रेम नहीं था। प्रेम मतलब प्रेम के स्वरूप कौन है, ध्यान से सुनना, प्रेम के स्वरूप कौन है, स्वयं हमारे धाम के धनी हम सब ब्रह्मात्मा श्याम जी जो भी कहो राज्य ले लो, तो प्रेम के स्वरूप है तो धाम धनी के मुखार बिंद से कहलाई हुई ये वाणी इन वाणी से होत है, नजर पड़े बिच बक्का इन वाणी से होत है, नजर पड़े बिच बक्का ये श्यामा जी की रसना कहलावत रस रब का।
कहलावे कौन रही कौन रहा है सुंदर साथ जी? हे तो श्यामा जी की जुबान से कहलाई हुई ये वाणी, लेकिन कहे कौन रहे? स्वयं धाम के धनी। चाहे प्रेम मानो या प्रेम की भरी हुई वाणी मानो, दोनों एक ही है। समझ में आया? प्रेम के स्वरूप स्वयं धाम के धनी है। तो मेरे मीठे बोले साथ जी, हे सुंदर साथ जी, ऐसे मीठे वचन इस संसार में तो हम बस एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारा क्या काम बना। क्या? दो काम है, एक लौकिक की ओर ले लो कि एक लौकिक काम हमारा होता है इस संसार में। हमने अभी अगले चर्चा में हमने सुना कि जन्म जन्मांतरों से हमारा जीव कई बार इस तन को धारण कर चुका है, कई बार चित्त में कई संस्कार बन चुके हैं, तो ये संस्कारों के हिसाब से हमारी जर्नी चलती है। ठीक है, तो एक हमारा लौकिक काम होता है और हमारा एक आत्मिक काम, अलौकिक हो या आत्मिक काम। ठीक है, तो पहले हमें लौकिक काम की ओर देखें, हमारा क्या काम हुआ। मैंने पहले थोड़ा कुछ बता दिया कि जो इस संसार में ये प्रेम नहीं आया था, तो प्रेम की भरी हुई वाणी इस संसार में नहीं आई थी। तो पहले हम ये ले ले सुंदर साथ जी कि दो कामों में पहले हम लौकिक काम ले। हम हमारे मन को हमने मान लिया है मन से, लेकिन सही में वास्तव में वो सही नहीं है। अभी बताया ने कि ये ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन लग रहा है ब्रह्मांड है नहीं, लेकिन लग रहा है। जो ये ब्रह्मांड ही शून्य है, ये ब्रह्मांड ही नश्वर है, तो ब्रह्मांड में बनी हुई चीज का कोई मूल्य होगा, कोई महत्व होगा? इस संसार में आई हुई ये चेतना जो है, हमारी जो एक आत्मा है, वही एक सत्य है। ठीक है, तो इस संसार में हमने ये तन धारण किया, इस तन से इस संसार में जो हम काम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हम सुबह से उठते ने तो हमारी जर्नी शुरू होती। सुबह जब उठते तो हमारी दिन की जब जर्नी शुरू होती, तो हमारे दिमाग में कितने काम के लिस्ट लग जाते ना। अभी हम लौकिक काम की ओर समझ रहे। ठीक है, सुबह से उठकर ही धामधनी को याद किया नहीं किया, परम धाम को याद किया नहीं किया, उठ के ही बस दिमाग में, जो महिला सुंदर साथ होते तो बस उठ के घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी हो, बच्चों परिवार या जो भी काम हो, वही काम का हमारे दिमाग में लिस्ट लग जाता है। ठीक है, तो उठ के सीधे ये काम में हम लग जाते। हाँ, थोड़ा हमारी एक नियम के अनुसार थोड़ी हमारी चलती कि भाई हम नहा धो के थोड़ी राज्य के मंदिर में फॉर्मेलिटी कर लेते, प्रणाम कर लेते, सेवा पूजा कर लेते, और थोड़ी कुछ सुबह को टाइम मिला तो वाणी पढ़ लेते। लेकिन हमारे दिमाग में क्या लिस्ट लग जाते काम के। मैं काम की बात समझा रही हूँ। ठीक है, दो काम, एक समाज संसार ले लो, इसमें एक लौकिक काम, तो ये दिमाग में बस ये कि ये काम करना, ये काम करना। सुंदर सा जी, हम अपने आप को पूछे, ये इस जन्म में तो हमारी 40, 50, 60, 70, 80 कई साल बीत गए। ठीक है, ऐसे हम कई जन्म धारण कर चुके हैं। हर जन्म में हमने कितने काम किए होंगे, ये सांसारिक रिश्तेदारों को कितना निभाया होगा, कितना पाला होगा, और कितना ये सांसारिक लौकिक काम हमने किया होगा। क्या हम संसार परिवार रिश्तेदारों के लिए हम पल पल मरे हैं? ठीक है, मैं तो उसको मरना ही कहूंगी, क्योंकि धामधनी ने बोला वाणी में, जो परम धाम की ओर जीते हैं ना, वही मेरी ब्रह्मात्मा है। संसार के लिए, परिवार के लिए तो हर कोई मरता है, संसार और परिवार के लिए तो, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई मरता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जितनी देर मैं राज्य के चरणों में रहती हूँ ना, इतनी देर मेरी पूरी सुखमयी आनंदमयी बीती, बाकी का जो टाइम है ना पूरा दिन का, वो मेरा तो पूरे ऐसे ही गंदगी या कीचड़ में ही चला गया, ये संसार के कामों में ही चला गया। तो हम अपने ही नोटिस करें ने, अपने आप को ही तोले, अपने आप को ही पूछे कि ये इतने जीवन में, मतलब 40-50 जितनी उम्र हो, अपने आप को पूछ ले कि इतनी सालों में जो मैंने जीवन बिताया,
उस सालों में मैंने धाम धनी के चरणों में कितनी देर बैठी, कितनी देर मैंने वाणी पढ़ी, कितनी देर मैंने चितवन किया, हे ध्यान लगाया, कितनी देर स्वाध्ययन मंथन चिंतन किया। अभी अशोक जी ने बताया ने कि बस यहाँ भंडारा है, सरसावा में लगेगा, कोई आसपास के गांवों में गोष्ठी लगेगी, बस पूरा काम खत्म। इससे ज्यादा हम संसार की ओर हमारे कितने घंटे लग जाते हैं, और हम शाम को क्या बोलते हैं, कोई पूछे हमको तो हम बोलते ना, अरे आज तो हमारा काम बन गया, बोलते ना आज तो हमारा काम बन गया। तो आज हम कोई बिजनेस की ओर, कोई घर परिवार के, गृहस्थी के जीवन के जो जो हमारे नैतिक जिम्मेदारी, या हमारी घर परिवार की कोई सांसारिक और जिम्मेदारी, या बिजनेस की जिम्मेदारी, या ए टू जेड कोई पण जिम्मेदारी निभाते निभाते सुंदर साथ जी हमारे कितने साल बीत गए। कभी हमने अंदर जाके कभी जाना सुंदर साथ जी, कभी अंदर जाके हमने अपने के लिए कभी भी सोचा कि मैंने कितने साल इसमें गुजार दिए? यह तो हर कोई करता है, चाहे पशु हो या प्राणी हो या कीट पतंग, हर कोई अपने बच्चे परिवार के लिए या अपने के लिए तो हर कोई मरता है। लेकिन अपने स्वयं, मतलब दूसरी बात यह आएगी कि आत्मिक काम, हमारा क्या काम? मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। महामती जी अपने स्वरों में क्या कह रही है कि सुंदर साथ जी तुम्हारा काम बन गया, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आखा। क्या बोला कि तेरी निस्बत किसके साथ है? तू अपनी अंतर चक्षु, तू अपनी आत्मिक चक्षु खोल करके तो देख तेरी निस्बत किसके साथ है, और तू किस परिवार में रिश्ता बना के बैठी है। सिर्फ 30, 40, 50 साल से जुड़े हुए ये रिश्ते को तूने अनादि मान लिया, और जिसके साथ हमारा अनादि संबंध था वो संबंध हमने भुला दिया। हाँ, दो तीन घंटे बस कुछ हम फॉर्मेलिटी या कोई दिल से हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक दो दिन पहले कोई मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे, और कल भी हमारी एक बैठक थी तो एक भैया ने बोला कि दीदी हमारा जो नाता है धाम धनी के साथ का, एक अंगना धनी का, मतलब धनी धनियानी का एक नाता है, तो उस नाते को मेरे को समझाइए ने, इस बारे में समझाइए ने। तो मैंने इतना ही जवाब दिया कि इस लौकिक यहाँ के जो हमने शरीर नश्वर धारण किए हैं, उसके साथ जो हमारे संबंध बने हैं, चाहे घर परिवार में माता पिता बेटे जो भी हो, सास ससुर, जिसके साथ हमारे संबंध, ये रिश्ते की बात वो नहीं है, ये संबंध के परे की बात है। ये जो धाम धनी के साथ का हमारा जो संबंध है वो प्रेम के पराकाष्ठा की बात है, वो निर्विकार प्रेम की बात है। वो तो हम रास में भी नहीं समझ पाए ये प्रेम को। समझ में आया? देख तू निस्बत अपनी, यहाँ क्या काम हुआ? मतलब जब हम निस्बत को नहीं समझेंगे कि उसके साथ हमारा क्या संबंध है, जब तक संबंध की पहचान नहीं होगी तब तक तो कोई काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ धाम धनी सुंदर साथ जी बता रहे, तो मैंने कल ये बताया कि आज जिसकी हमने पहचान की 30, 40, 50 सालों में, जिसके साथ हमारा संबंध यहाँ के इस शरीर के साथ जो हमारा रिश्ता बंधा, तो ये संबंध की जो हमने पहचान की, ये मेरे चाचा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे ससुर, ये मेरी सास, ये बच्चे परिवार। मैं भाई को एक ही प्रश्न पूछा कि भाई तुम जित परिवार को जितना मोह, मैं प्रेम नहीं कहती, परिवार को तो मोह ही होता है, बस ये स्वार्थ के बंधे हुए रिश्ते हैं। कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि परिवार के लोग जो स्वार्थ से बंधे हुए कोई प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो एक ही करने वाले हैं, बोलो श्री प्राणनाथ, एक ही करने वाले जी हमारे प्राणों के प्रीतम, प्राणों के नाथ, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम। अभी तक हमने सुंदर शाह जी उसको याद नहीं किया था ने, तभी भी हम हमारे पर वो नूरी नजर, मतलब एक पल भी हमसे ये नजर नहीं हटाते हैं। नजर से न काढ़ी मुझे अबल से आज दिन। तो प्रेम तो वो ही करता है, ये संसार के रिश्ते तो सब मोह से बंधे हुए हैं। जब तक ये हमारा शरीर काम
करता रहेगा ने, तब तक ये मोह के परिवार जो रिश्ते बंधे हुए हैं ना, ये तब तक हमको मोह करता रहेगा, और बस तब तक ये थोड़ा कुछ लाड स्नेह बस ये देगा। प्यार मतलब प्रेम की बात तो कोई और है। तो मैंने बोला तुम बच्चों के साथ जितना लगाव, तुम्हारी जितनी आसक्ति है बच्चों के साथ या पत्नी के साथ या परिवार के कोई भी मेंबर के साथ, आपकी जितनी आसक्ति या लगाव है, अट्रैक्शन है, इतना इससे मानो ने थोड़ा हजारवा भाग कर दो, चलो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, इतना भी क्या धामधनी से हमारा लगाव हुआ। आप आज कोई बोलेगा मतलब अभी मैं यहां बैठी हूं, मैं फॉर एग्जांपल एक समझा रही हूं, अभी मैं चर्चा कर रही हूं, ठीक है, कोई गुजरात से मैसेज आ गया मेरे घर में, कोई ऐसी घटना घटी कि दीदी आपके घर में कोई ऐसी घटना घटी, आप जल्दी से यहां से वापस लौटो, ठीक है, एमपी से जल्दी पन्ना से, तो मैं हजारों लोगों को छोड़कर, धामधनी वाणी सबको छोड़कर, सबका प्रेम छोड़कर, जो मेरे को एक मूल मिला हुआ परम धाम, या मेरे को एक जो ये माहौल खड़ा हुआ, ये सब छोड़कर मैं चली जाऊंगी ना, जैसे फोन से मैसेज मिलेगा, क्योंकि हम किससे बंधे हुए हैं, परिवार के रिश्ते के साथ हमारा जो मोह है, एक फोन आएगा, ठीक है, मैं मंच पर बैठी तब तक तो कोई नहीं बताएगा, उतरने के बाद मैं किसी की राह नहीं दिखूंगी, जो भी गाड़ी मिलेगी मैं सीधी जल्दी से, क्योंकि उसके साथ हमारी अंदर से एक लगन लगी है ना, मतलब एक मोह बंधा हुआ है ना, हम सब छोड़ के क्या धामधनी के साथ इतने सालों में कभी भी मंदिर में बैठे हुए, वाणी पढ़ते हुए, पारायण पढ़ते हुए, या कोई भी चितवन में बैठे हुए, कभी भी ऐसा दर्द आया क्या, कभी भी ऐसा विरह आया आया कि ये मेरे स्वयं धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ, मेरे आत्मा के धनी है, ऐसा कभी भी भाव हमारे अंदर, कई बार हम कोशिश करते सुंदर साथ जी, तो यहाँ क्या बताया कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। क्या काम हुआ? श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे नंबर के प्रकरण की पहली चौपाई में अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आई के अर्ज कर बैठे खशम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ, पांच दिनों तक जो लीला चल रही थी ब्रज से लेकर रास, रास से तीसरे जागनी ब्रह्मांड मोहम्मद साहिब का दिन, और चौथे जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु धनी देवचंद्र जी का समय, और पांचवें दिन में श्री प्राणनाथ जी जिस तन में महामति ने जो लीला की, इंद्रावती जी ने जो लीला की, सुंदर साथ जी उस तन में जो स्वयं धाम धनी लीला कर रहे थे, तो पांच दिन में जो काम नहीं बना, और यह भी बताया कि पांच दिन तक जो लीला चल रही थी एक तन से, ये इससे ज्यादा प्रॉफिट, इससे ज्यादा नफा आज छठे दिन में है, क्योंकि स्वयं धाम के धनी जो हम परम धाम में नहीं जान पाए थे, क्या काम हुआ ये मैं बताने, क्योंकि समय नहीं है ना, इसलिए मैंने लौकिक और अलौकिक दोनों बातों पर विस्तार से कैसे समझा सकती, तो मैं अलौकिक की ओर आत्मिक काम की बात कर रही। क्या आत्मिक काम? कि जो हम परम धाम में जान नहीं पाए थे कि परम धाम के 25 पक्षों के रूप में स्वयं हमारे धाम के धनी है, 25 पक्षों में एक बालू के कण से लेकर 8 सागर तक की जो भी नियमतें बनी है, ये स्वयं हमारे धाम धनी के ही स्वरूप है, जो रूपों अनेक अनेक रूपों में जो नियमतें बनी है वो स्वयं हमारे धाम धनी के ही स्वरूप है, वो हम परम धाम में जान नहीं पाए थे, ये पहचान देने के लिए धाम धनी सुंदर साथ जी यहाँ आए, और कभी भी वो नहीं आए थे, बताया कि कई ब्रह्मांड हुए कई हो ऐसी, लेकिन किन ब्रह्मांडो, बताए ना तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी हुई न कोई, क्या है कई ब्रह्मांड हुए कई हो ऐसी,
लेकिन किन ब्रह्मांडो नाए, तो जो आज पांचवें दिन के बाद बताया कि जो न्यामतें थी परमधाम में हम जो जान नहीं पाए थे, और हमारा रूप भी एक सखी के रूप में, एक ब्रह्मात्मा के रूप में हम अलग जानती थी ना, बताया कि हक अर्श में हम जुदा जानती, लियावती शब्दों में हक अर्श से मैं जुदा जानती, लियावती शब्दों में वर्णन, परमधाम में भी हम हमारे स्वरूप को हम जुदा क्या। अब तक मैं एक आपको प्रश्न पूछूं, ये वाणी है हमारी, हम कई सुंदर साथ को पूछे ना तो बोलते कि हाँ ये सब सुंदर साथ की तो जागनी हो गई, ठीक है, मैं तो अपने को मानती हूँ, मैं आपके न्याय करने की मेरी मतलब ये मेरी मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि सुंदर साथ जी जो ये वाणी है हमने सिर्फ जाना है, पाया नहीं है, हमने सिर्फ जाना है वाणी क्या है, कहाँ से आई है, हमारे धनी कौन है, लेकिन क्या हमने पाया। कल हम रात की बैठक थी तो एक सुंदर साथ ने पूछा, परमधाम के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, तो उसने माणिक पहाड़ पुखराज के पक्ष में हमारी एक चर्चा चल रही थी, तो उसने बोला कि दीदी पुखराज क्या है, मैंने बोलता कि ज्ञान के माध्यम से मैं तो बहुत चर्चा कर ली, ठीक है, ज्ञान के माध्यम से मैंने बहुत चर्चा कर ली, और हम समझा भी रहे बहुत विद्वान लोग या कोई संत मनीषी मतलब समझा रहे कि परमधाम ऐसा है, परमधाम में पुखराज ऐसा है, माणिक पहाड़ ऐसा है, जमुना जी ऐसी है, कैसे पुखराज से निकलती हुई फिर 4.5 लाख कोस बहती हुई, फिर अग्नि कोने से मरोर लेती हुई, फिर ईशान कोने से मरोड़ लेती हुई, फिर आगे बढ़ती है, फिर पूर्व में बहती हुई, फिर आगे जाके हौज कोसर में मिल जाती है, ये जमुना जी मिश्री से मीठी और दूध से भी उज्जवल, कैसे जमुना जी में हम जिन्ना करते थे, कैसे धाम धनी के साथ हमारी लीलाएं होती थी, कैसे हम पाट घाट की देहुरी में श्रृंगार करते थे, तो वैसे हम चर्चा तो कर लेते हैं, समझ में आया, लेकिन हमको कोई पूछे दीदी कि दीदी आपने जमुना जी या पुखराज को देखा, तो क्या हमारे पास कोई जवाब है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण ही ध्यान पर आधारित है, ये पूरा प्रकरण ध्यान पर आधारित है कि हम अब तक 25 पक्ष परम धाम की चर्चा सुनते आ रहे करते आ रहे, लेकिन हमने कभी भी सुंदर साथ जी परमधाम के एक पक्ष, हमने 100 मंदिर 100 हाथ का एक जो मंदिर हम कहते हैं कि हमने 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर भी ध्यान में कभी देखा। आज धाम धनी ने छठे दिन में हमारे पर कितनी बड़ी कृपा की है और कितना बड़ा महान कार्य हुआ सुंदर साह जी, ये रस पहले हमको पीना है ने, बताया कि सुनियो दुनिया आखरी जो भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो दीदार करो खसम, बताया ने आगम वाणी इत मिली विश्व मुख करत बखान, ये कोल सबन के पूरे भये, कितनी चौपाइया, मतलब ये सब चौपाइया में क्या बताया कि जो दुनिया भी उसकी राह दिख रही थी, क्योंकि स्वयं धाम के धनी इस ब्रह्मांड में ब्रजरास में आए, लेकिन तब वाणी उतरी, यह ऐसा ही कालमाया का ब्रह्मांड बना था ब्रजरास ब्रज का, ठीक है, तो 11 साल और 52 दिन तक की हमारी लीला हुई, लेकिन तब वाणी बताया ने श्रृंगार ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि आती ब्रजरास में, पहले नंबर के प्रकरण में बताया कि ब्रह्म सृष्टि आती ब्रजरास में प्रेम हतो लक्ष बिन, क्या बताया, प्रेम हतो लक्ष बिन, हाँ प्रेम की लीला तो हुई हमारे और धनी के बीच में, लेकिन लक्ष मतलब परमधाम हमारा जो घर है उसका पता ब्रज में नहीं चला, उसके बाद हम रास में गए, वहां भी हमारी प्रेम की तो लीलाएं हुई, कई रहमतों के सुंदर साथ जी जो आँख में चामनी की कोनिया की घुमलड़ा की कई रामतों के बीच में प्रेम के विलास की लीला हुई, ठीक है, प्रेम के विलास की लीला हुई, लेकिन सुंदर साथ जी
वहां वाणी वाणी नहीं उतरी थी। प्रेम तो किया लेकिन लक्ष्य के बिना परमधाम का पता नहीं चला, परमधाम का पता नहीं चला। ध्यान से सुंदर शाह जी, 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है। हमारे लिए क्या काम बना सुंदर शाह जी, हम यहां क्या जानने के लिए, बस इतनी बात कहकर हम ये चर्चा को हम पूरा करें। हम हमारे स्वरूप को जानने के लिए आए थे, हमारा क्या काम यहां पूरा करने के लिए भैया आए थे हम। हमारे स्वरूप को हमने परम धाम में नहीं जाना था दीदी, हमने हमारे स्वरूप क्या है ये परम धाम में, इसलिए तो हम अपने को जुदा जानती थी ने। हम क्या राज जी को बोल, राज जी हम तो 12,000 ब्रह्मात्मा है, आपकी कितनी सेवा करती है देखो ने, फुलभाग नुरभाग अनबन दुबदुलीचा में जाती है, या सब्जी या फल फूल सब कुछ लाती है, या हमें माला पिरोती है फूलों की, आपके लिए पान के बीड़े बनाती है, ये रसोई बनाती है, देखो सब कुछ। हम तो 12,000 प्रेम करती है आपको, ठीक है। और खिलवत के 11 नंबर के प्रकरण में, खिलवत हकादी रूहन की, उसमें भी क्या कितना बड़ा हमने दावा लिया, ठीक है। वहां क्या बताया, अरे धामधनी हमारा प्रेम बड़ा है, और श्यामा जी ने क्या बोला, मेरा प्रेम बड़ा है, है? तो राज जी ने क्या बोला, नहीं तुम दोनों से मेरा इश्क बड़ा है मेरे अंदर। लेकिन जो वहां ही निर्णय हो जाता तो ये खेल बनने का कोई कारण ही, इसलिए तो बताया एक पातशाही अरश की और वाहेदत्त का इश्क, ये देखला बनने हमको, रूहों को नहीं हमको, रूहों को कब तक बोलते रहेंगे हमको, ये देख लावण ने हमको दिल में लिया हक, ये दिखाने के लिए कि परम धाम में जो गिलम भी धनी बने थे, कौन बने थे, गिलम भी धनी बने थे, बालू भी धनी बने थे, पशु पक्षी भी धनी बने थे, लेकिन हम अपने स्वरूप को अलग मानती थी। जो धनी को जान लिया होता तो हम रबद प्रेम का रबद कभी भी करती ही नहीं, ठीक है। तो हम निज स्वरूप को जानने के लिए यहां आई, हमारे धनी को जानने के लिए आई, क्योंकि वहां साहेबी अपार थी ने हमारी, बीच बक्का में है सुंदर साथ जी, साहेबिया हमारी अपार थी, वहां हमने प्रेम और इश्क की साहेबी, दो ही चीज, इश्क और इश्क की साहेबी, ये दो चीजें हमने परम धाम में जान, तो सब कुछ इसमें आ गया 25 पक्ष का, वहां हमने जाना ही नहीं निज घर को जाना, कि परम धाम में जो 25 पक्ष जो हमारे खेलन के जो ठोर बने हैं, साथ तुम मिल आए धाम से, साथ तुम मिल आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए धाम धनी के वचन, भूल गए धाम धनी के वचन, सुधनर ही वृद्धिया, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। सुंदर सा जी क्या बताया, कि वहां ये सुधि नहीं थी कि हम अपने कौन है, हमारे धनी की साहेबी क्या है, प्रेम है। तो सुंदर सा जी ये पूरा प्रकरण ज्यादा ना कहते हुए, समय पूरा हो गया, तो हम यहां हमारा काम क्या बना, ये सांसारिक नहीं कि हमको बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, कभी भी घाटा नहीं है, या नौकरी मिल गई, या कोई भी कुछ ए टू जेड, ये नहीं। जो काम करने के लिए आए थे, जो धाम धनी के दिल में जो अनंत सागरे जो उमड़ रहे सुंदर सा जी, उसमें से एक जो बूंद आई, उसने 18,758 चौपाई का जो रूप धारण कर लिया, उस वाणी का माध्यम से हम सुंदर सा जी अपने निज घर को जाने, अपने स्वयं को जाने, और स्वयं हमारे धाम के
धनी को जाने, ये तीन काम करने के लिए हम आए हैं। हम परिवार और बच्चे को पालने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। हम इस संसार में कोई हाउसवाइफ बन के झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं आए। 500 रुपया दे दे तो काम वाली भी कर सकती है काम। तो बोलिए श्री प्राणनाथ, ठीक है, हम क्या करने के लिए आए हैं? हमारी पहचान करने के लिए आए हैं। इतना कहकर यह वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखी रे धाम जइए। प्रणाम।